स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। यदि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन और आल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट टाइमली अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं, ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक है द। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और यदि नाउन इंडेफिनेट है यानी नाउन अनिश्चित है, जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है, तो उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। और यदि नाउन किसी भी कारण से विशेष है, खास है, स्पेशल है, डेफिनेट है, विशेष है, खास है, स्पेशल है, डेफिनेट है, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, और काउंटेबल का मतलब ऐसी नाउन जिनको गिना जा सके, ऐसी नाउन जिनको गिना जा सके और वो एक ही हो, ऐसे नाउन्स के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और द का जो यूज है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी द का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन्स के साथ हो सकता है। अब ए एन या द में से क्या लगाना है, इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज देखें कि यदि जो नाउन दे रखी है वो नाउन अगर स्पेशल है, किसी भी कारण से स्पेशल है, चाहे स्पीकर बोलने वाला उसे जानता है, लिसनर सुनने वाला उसको जानता है, या परिस्थिति ऐसी है कि उस परिस्थिति की वजह से वो नाउन स्पेशल हो गई है, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। यदि ऐसा नहीं है, वो नाउन स्पेशल नहीं है, फिर ए या एन का प्रयोग होगा। पहले हम देखते हैं कि ए या एन में से किसके साथ क्या लगाना है। इसकी चॉइस बड़ी ही सिंपल है। यदि जिस भी नाउन से पहले या जिस भी वर्ड से पहले हमें आर्टिकल लगाना है, उस नाउन की जो साउंड है, आवाज है, उसको पढ़िए। यदि उसकी आवाज ए आ ई ऊ इनमें से आ रही है तो उसके साथ प्रयोग होगा एन का। और यदि उसकी आवाज कैखे गे से लेके गे तक जो अक्षर होते हैं हिंदी के, इनमें से आवाज आ रही है तो उसके साथ प्रयोग होगा ए का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल्स हैं जैसे ए हाउस, है से आवाज स्टार्ट हुई इसलिए ए लगा। ए बुक, बैसे आवाज स्टार्ट हुई इसलिए ए लगा। ए कार, कैसे आवाज स्टार्ट हुई इसलिए ए लगा। ए यू, हालांकि इसके शुरू में ई है लेकिन आवाज यू ये से स्टार्ट होती है इसलिए इसके साथ ए लगा। ए यूरोपियन, हालांकि इसके शुरू में ई है लेकिन आवाज ये से शुरू हो रही है इसलिए ए लगा। ए यूनियन, आवाज इसकी भी यस से स्टार्ट है इसलिए इसके साथ ए लगा। एन के एग्जांपल्स देखते हैं। एन ऑरेंज, ओ से आवाज स्टार्ट है इसलिए एन लगा है। एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन इंपोर्ट, एन आवर, हालांकि शुरू में एच है लेकिन आवाज आ से शुरू हो रही है। एन एयर, एच ई आई आर, एयर, एयर का मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी, इसकी आवाज भी ए से शुरू है इसलिए इसके साथ एन लगा। एन ऑनेस्ट मैन, एच से स्पेलिंग शुरू है लेकिन आवाज ओ से शुरू है, ऑनेस्ट मैन। ए यूजफुल आर्टिकल, अब इसको देखिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि यू तो है स्टार्ट में लेकिन आवाज मैटर करती है, आवाज यस स्टार्ट हो रही है इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। तो ध्यान रखिए, छोटी कक्षाओं में जो ये बात सिखाई जाती है कि शुरू में अगर ए ई आई ओ यू हो तो एन लगता है, नहीं तो ए लगता है, ये बात सच नहीं है। आपने खुद इन एग्जाम्पल्स में देखा है जो मेन चीज है वो है आवाज। यदि आवाज कैखे गे से है तो ए लगेगा, और यदि आवाज ए आ ई में से है तो एन का प्रयोग होगा। दा की अगर बात करें तो दा के प्रयोग में आवाज से कोई लेना देना नहीं है। दा या जिसको दी भी कहते हैं या द भी कहते हैं, उसका प्रयोग इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस भी नाउन के साथ हमने दा का प्रयोग करना है
वो स्पेशल है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास, मेरा फेवरेट शब्द है ये, स्पेशल है, पर्टिकुलर है, उसके बारे में पहले से बात हो चुकी है, किसी भी वजह से यदि वो नाउन खास है, स्पेशल है, पर्टिकुलर है, तो उसके साथ दा का प्रयोग होगा। जैसे इन चीजों को देखें, ये सभी आकाशीय पिंड है, आकाशीय चीजें हैं और अपने आप में एक हैं और बहुत विशेष है। द सन है, द अर्थ है, द मून है, द स्काई है, द स्टार्स हैं, द ओशियन है, महासागर, ये सभी चीजें अपने आप में ऑटोमेटिकली विशेष हो गई, इसलिए इनके साथ द का प्रयोग होता है। द का जो नेक्स्ट यूज है वो है जो वाटर सोर्सेस है, पानी के जो स्रोत हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, ओशियंस हैं, सीज, समुद्र हैं, इन सब के नामों के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे रिवर्स देखें तो गंगा, द यमुना, द सरस्वती, कैनाल्स देखें द इंदिरा गांधी कैनाल, द स्यूज कैनाल, द भाखड़ा कैनाल, ओशियंस देखें द मेडिटेरियन ओशियन, भूमध्य सागर, डेड सी, मृत सागर, द रेड सी, लाल सागर, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये सभी पानी के स्रोत हैं, इनके साथ दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, तो जो पर्वतों की श्रृंखला है उसके साथ दा का प्रयोग होगा, लेकिन एक पहाड़ का नाम है उसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं द हिमालयस, द अरावलीस, द एल्प्स, द विंध्यस, या और भी विश्व में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम के साथ दा का प्रयोग होगा, लेकिन एक अकेला पहाड़ है, उसकी कोई चोटी है, एक सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो व्हाटएवर है, उसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक पहाड़ का नाम है, उसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा, माउंट अबू नहीं होगा प्रयोग। और इसी तरह से ये अन्य हैं, माउंट ओलंपस, धौलागिरी, नंदा देवी, सेम यही बात ग्रुप ऑफ आइलैंड और आइलैंड के बीच है, द्वीप, द्वीप का अगर समूह है तो दा का प्रयोग होगा, और अगर एकल द्वीप है, सिंगल आइलैंड है, तो दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम देखें, जैसे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द अंडमान्स, द निकोबार, द फिलीपींस, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनके साथ दा का प्रयोग होगा, लेकिन अगर सिंगल आइलैंड है, जैसे जावा, सिर्फ जावा बोला जाएगा, दा का प्रयोग नहीं होगा, सुमात्रा, सिलोन, ये सब सिंगल आइलैंड्स हैं, इनके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान की बात करें, तो डेजर्ट्स के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है, क्योंकि डेजर्ट्स बड़े स्पेशल हैं, खास हैं, द थार, द सहारा, द गोबी डेजर्ट, इस तरह से लिखेंगे हम। इसी तरह जो रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द रामचरित मानस, इन सब के साथ दा का प्रयोग होगा। हर खास चीज के साथ दा का प्रयोग हो रहा है, धार्मिक किताबें खास होती हैं, इसलिए दा का प्रयोग है, तो धर्म भी खास है, इसलिए उनके साथ भी दा का प्रयोग होगा। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द पारसीज, इस प्रकार से धर्म के नाम के साथ भी दा का प्रयोग होगा। इसी तरह जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो भी स्पेशल हैं, स्पेशल है तो दा का प्रयोग होगा। द रेड फोर्ट, द हवा महल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, इसी प्रकार से हवाई जहाज, समुद्री जहाज और ट्रेन्स, ये भी स्पेशल होते हैं, इनके नाम के साथ भी दा का प्रयोग होगा। जैसे हवाई जहाज द मेघदूत, द मेघदूत कहेंगे हम, समुद्री जहाज है द टाइटेनिक, सबने पिक्चर देखी होगी द टाइटैनिक, और भी किसी समुद्री जहाज का अगर नाम है, द विक्टोरिया जहाज का नाम है, दा का प्रयोग होगा। और इसी तरह ट्रेन्स हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, इन सब के साथ दा का प्रयोग होगा, बिकॉज दे आर स्पेशल। थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं, कहाँ दा लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा।
फर्ज कीजिए छुट्टी नहीं है, मतलब जो भी फेस्टिवल्स या हॉलीडेज के नाम आते हैं अगर छुट्टी नहीं है, आप कलर नहीं खेल सकते यानी कलर्स के नेम्स के साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा, आप गेम्स भी नहीं खेल सकते यानी गेम्स के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा, यस आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो ढम ढम, उनके साथ द का प्रयोग होगा। यहाँ पे पॉज कर लीजिए, देखिए इस लिस्ट को एंड देन प्रोसीड। आगे और एक ट्रिक के द्वारा हम सीखते हैं, आपके हाथ में कोई भी सब्जेक्ट की बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, व्हाटएवर इट बी, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। आप कोई भी लैंग्वेज क्यों ना बोलते हो, लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। यस, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी के साथ द का प्रयोग होगा। हम कहेंगे ही स्पीक्स हिंदी, हिंदी के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। She speaks Chinese, यहां पे Chinese का यूज जो है वो लैंग्वेज के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर यूं लिखा जाता, They are the Chinese, अब यहां पे Chinese का यूज लैंग्वेज के रूप में नहीं होकर के राष्ट्रीयता के लिए हुआ है, इसलिए द का प्रयोग यहां पे Chinese के साथ हुआ है। सब्जेक्ट के साथ नहीं, लैंग्वेजेस के साथ भी नहीं, राष्ट्रीयता के साथ यस। नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्शंस की, दिशाओं की, तो उनके साथ द का प्रयोग होता है। हम कहते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, लेकिन यहाँ पे एक पेच है, यदि दिशा के नाम के बाद किसी जगह का नाम आया है तो द का प्रयोग नहीं होगा। हम कहेंगे वेस्ट बंगाल, न कि द वेस्ट बंगाल, हम कहेंगे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका। द का प्रयोग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री का अभिप्राय होता है सबसे अधिक बताने वाली डिग्री, जिसमें हिंदी में उसके साथ सबसे ज्यादा लगा होता है, जैसे सुंदर का बन गया सबसे ज्यादा सुंदर, ऊंचा का सबसे ज्यादा ऊंचा, लंबा का सबसे ज्यादा लंबा, तेज का सबसे ज्यादा तेज। इसी तरह इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री बनती है जिनके लास्ट में या तो EST लगा होता है या उनके पहले मोस्ट लगा होता है, जैसे ब्यूटीफुल का बढ़ गया द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल का बढ़ गया द टॉलेस्ट, हमें द टॉलेस्ट लिखना पड़ेगा। इंटेलिजेंट का बन गया द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री खास है, स्पेशल है, और स्टार्ट से एक ही बात चल रही है द के प्रयोग में कि द हर उस जगह लगेगा जो खास हो, स्पेशल हो, विशेष हो। आप मुझे बताइए कि जो हम क्रम बताते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये स्पेशल है या नहीं है? बिल्कुल स्पेशल है, तो इनके साथ द का प्रयोग होगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, हम इस तरह से बोलेंगे। द का प्रयोग अगर किसी एडजेक्टिव के साथ अकेले कर दिया जाए, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो रिच का मतलब तो होता है अमीर, लेकिन द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। इसी तरह द इंटेलिजेंट का मतलब हो गया बुद्धिमान लोग। ये तो थे बातें कि द का यूज कहां कहां होता है। अब हम थोड़ा देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज कहां कहां होता है। फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति आया दरवाजे पर और उसने आपको कहा कि मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूं और मेरा नाम अमित कुमार है। आप उस अमित कुमार को नहीं जानते, अंदर आके आप अपने फादर को हिंदी में बोलोगे तो कहोगे कोई अमित कुमार आया है। जब इस तरह से हम कोई शब्द का यूज करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। और अब हम देखते हैं कहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें पता होना चाहिए कि कब आर्टिकल का यूज नहीं होता। इस सारे टॉपिक में अब तक हमने देखा है कि जो छुट्टियां हैं, कोई त्योहार वगैरह, उनके साथ द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है।
और हमने देखा है कलर के नेम के साथ नहीं होता है, गेम्स के नेम के साथ नहीं होता है, और किन किन जगहों पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो सबसे पहला है उसमें सब्सटेंसेस के नेम। कोई भी पदार्थ है, आयरन लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, सैंड है, या और भी कोई पदार्थ का नाम अगर है तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउंस, अमूर्त चीजें जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, जैसे विजडम, किसी की बुद्धिमानी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउंस हैं, इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। प्लूरल नाउंस, प्लूरल नाउंस का यूज यदि जनरल सेंस में होता है, सामान्य अर्थ में होता है, तो उनके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि प्लूरल है तो ए एन का यूज तो वैसे ही नहीं हो सकता, द का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जनरल सेंस में यूज हो रही है। इन दो सेंटेंसेस को देखिए, पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहां पर जनरल सेंस में बात हो रही है, आम अर्थ में बात हो रही है कि बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे किसी भी अर्थ में स्पेशल या खास नहीं है, बस यूं ही खेल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति घर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है वेयर आर द चिल्ड्रन, यहाँ पे द चिल्ड्रन का यूज हुआ है, इसका मतलब ये उनके अपने बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेशल हो गए वो बच्चे, और स्पेशल हो गए तो दा तो कहेगा भैया मेरी बारी। कुछ ऐसे जगहों के नाम है जिनका यूज यदि उसी काम के लिए हो रहा हो जिस काम के लिए वो बनी है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, कोई वहां पढ़ने के लिए जा रहा है, दा का यूज नहीं होगा। आई गो टू स्कूल डेली, पढ़ने तो जाता हूं, लेकिन अगर वहां पे किसी और काम के लिए जाया जा रहा है तो दा का यूज होगा। जैसे माई फादर केम टू द स्कूल, अब वो फादर वहां पढ़ने नहीं आया, किसी और काम से आया है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई पूजा वाला स्थान, चर्च, टेंपल, मॉस्क, मस्जिद, बेड है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है, ये सब का अगर उपयोग उसी काम के लिए हो रहा है जिसके लिए बनी है, हम कहते हैं गो टू बेड, सोने के लिए जाओ, उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि बेड का यूज सोने के लिए होता है। लेकिन अगर किसी ने बेड तोड़ दिया तो फिर कहा जाएगा ही ब्रोक द बेड, क्योंकि बेड का यूज यहां पर किसी और अर्थ में हो रहा है। पुलिस कॉट हिम, द पुलिस कॉट हिम एंड ही वाज सेंट टू प्रिजन, टू प्रिजन, ही वाज सेंट टू प्रिजन, और उसको जेल भेज दिया गया, जेल अपराधियों के लिए है, वो अपराधी है, और मुख्य अर्थ के लिए उसका यूज हो रहा है, इसलिए किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन फर्ज कीजिए एक व्यक्ति जेल में कैदियों से मिलने के लिए गया है तो फिर दा का यूज होगा, ही वेंट टू द प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, इलाज के लिए मुख्य काम ही वो है, लेकिन कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने गया तो दा का यूज होगा, क्योंकि हॉस्पिटल मिलने का स्थान नहीं है, तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। मील्स ऑफ द डे, दिन में जो खाना खाया जाता है किसी भी समय का हो, उनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, हम सीधा ही कहेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लेकिन अगर किन्हीं और शब्दों का प्रयोग करके उस भोजन के नाम को विशेष बना दिया गया तो उसके साथ ए एन या दा का प्रयोग होगा। जैसे आई एट ए लेट ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैंने देरी से ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट के साथ नॉर्मली किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यहां पे लेट शब्द उसने लगा करके उस ब्रेकफास्ट को विशेष या खास थोड़ा अलग अर्थ में यूज कर रहा है वो, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए, पहला सेंटेंस है आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट। दोनों सेंटेंसेस में उनके जो अर्थ है उसमें डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में एक ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है,
वही आर्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट इस पूरे के लिए लग रहा है, यानी बंदे के पास एक ही शर्ट है, वही ब्लैक है, वही व्हाइट है। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट। इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि उस व्यक्ति के पास दो शर्ट की बात कर रहा हो, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। तो यहां पे आर्टिकल का रिपीटेशन हो रहा है, दोहरान हो रहा है। आर्टिकल एक बार लगा तो चीज एक है, आर्टिकल दो बार लगा तो चीजें दो है। इसी तरह आप इन दो सेंटेंसेस को देखिए। फर्स्ट है द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर इज कमिंग। एक ही बार आर्टिकल का यूज हुआ है, यानी बंदा एक ही है, वही प्रिंसिपल है, वही इंग्लिश टीचर है। तो चूंकि बंदा एक ही है इसीलिए इज का प्रयोग हुआ है। सेकेंड सेंटेंस को अगर हम देखें, द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर आर कमिंग। यहाँ पे दो बंदे हैं, प्रिंसिपल कोई और है, इंग्लिश टीचर कोई और है, और जब दोनों आ रहे हैं, चूंकि बंदे दो हो गए तो बहुवचन हो गया, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। अब इस एक्सरसाइज को हल करें। फर्स्ट है ब्लैंक, डार्केस्ट स्काई हैज ए सिल्वर लाइनिंग। आपके हिसाब से इसमें क्या भरा जाएगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियो की। इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप इसी तरह से अपना प्रेम बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।